हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग वीडियो ऑन माय चैनल। और गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं IQ Z3 के बारे में। जी हाँ गाइस, ये फ़ोन जो है 8 जून को लॉन्च हो रहा है। और यहाँ पे गाइस, इस वीडियो में मैं आपसे इसके प्राइसिंग के बारे में, इसके फीचर्स के बारे में और क्या ये फ़ोन जो है वर्थ है बाइंग या नहीं, तो गाइस वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलेगा। साथ ही साथ गाइस, वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलेगा, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं सिर्फ आप लोगों के लिए ही बनाता हूँ गाइस। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, तो गाइस जैसे मैंने आपको बताया कि IQ Z3 जो स्मार्टफोन है वो 8 जून को लॉन्च हो रहा है गाइस। और यहाँ पे गाइस, IQ ने जो बहुत ही कम समय में जो है अपनी ब्रांड वैल्यू जो है गाइस, जो है वो गाइस काफ़ी ज़्यादा गेन करी है। स्मार्टफोन्स गाइस काफ़ी अच्छे फीचर्स के साथ आते हैं, काफ़ी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फ़ोन्स जो हैं अभी तक निकाले हैं IQ ने अपने। और साथ ही साथ गाइस, ये भी बता दूं कि IQ का जो प्राइस, थोड़ा सा मुझे लगता है कि प्राइसिंग जो होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है गाइस, लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि अगर परफॉर्मेंस अच्छी है फ़ोन की तो वर्थ होता है वो बाय। तो गाइस यहाँ पर जो है 8 जून को IQ Z3 लॉन्च हो रहा है। यहाँ पे जो इमेज सर्विस हुई है वहाँ पे भाई देखा जा रहा है गाइस कि ये ट्रिपल लेयर कैमरा सेटअप के साथ आने वाला है, जहाँ पे गाइस आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर कैमरा देखने को मिलेगा f1.79 अपर्चर लेंस के साथ। इसके साथ साथ गाइस आपको 8 मेगापिक्सल का वाइड अल्ट्रा एंगल कैमरा देखने को मिलेगा और 2 मेगापिक्सल का गाइस आपको डेप्थ सेंसर कैमरा देखने को मिलेगा वहीं पर। इसके अलावा गाइस यहाँ पे अगर मैं इसकी डिस्प्ले की बात करूँ तो ये काफ़ी बड़ी स्क्रीन, काफ़ी बड़ी डिस्प्ले के साथ आने वाला है। 6.58 इंच की फुल HD डिस्प्ले के साथ आने वाला है गाइस। यहाँ पे आपको AMOLED डिस्प्ले देखने को नहीं मिलेगी। जिसका अगर मैं पिक्सल रेजोल्यूशन बात करूँ गाइस, तो ये 1080x2408 पिक्सल्स का होगा गाइस, जो कि काफ़ी बढ़िया है। इसके अलावा गाइस यहाँ पे आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलेगा, 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो देखने को भी मिलेगा गाइस। साथ ही साथ गाइस ये भी बता दूँ कि ये जो स्मार्टफोन है वो 3 वेरिएंट में आने वाला है। तो यहाँ पे गाइस सबसे पहला वेरिएंट जो होगा वो होगा 6GB प्लस 128GB वेरिएंट, जो कि आपको मिलेगा 20,990 रुपीज़ का गाइस इंडियन मार्केट में। और वहीं अगर मैं 8GB प्लस 128GB की बात करूं तो गाइस वो आपको मिलेगा 21,990। और जो सबसे टॉप मॉडल है 8GB प्लस 256GB वेरिएंट, वो आपको मिलेगा गाइस 23,990 रुपीज़। तो प्राइसिंग ये कंफर्म है गाइस। और इसके अलावा गाइस ये भी बता दूं कि ये जो स्मार्टफोन है वो चाइना में भी लॉन्च हुआ था मार्च में ही, लास्ट अभी कुछ महीने पहले, और वहाँ पर गाइस ये लॉन्च हुआ था 1699 चाइनीज़ युआन, यानी करीबन 1700 चाइनीज़ युआन, जो इंडियन करेंसी में गाइस 19,400 बनते हैं। इसके अलावा गाइस यहाँ पे आपको वाटर ड्रॉप नो स्टाइल देखने को भी मिलेगा, सेल्फी कैमरा आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ गाइस जो कलर वेरिएंट्स हैं वो आपको 3 कलर ऑप्शंस मिलेंगे। अब यहाँ पे गाइस मुझे नहीं पता है कि ये कौन कौन से कलर होने वाले हैं, अगर आप में से किसी को पता है तो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा गाइस यहाँ पे आपको USB-C टाइप और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और फिंगरप्रिंट सेंसर भी आपको देखने को मिलेगा गाइस। तो गाइस ओवरऑल जो फ़ोन है, और सॉरी गाइस प्रोसेसर के बारे में बोलना भूल गया, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे गाइस क्वालकॉम ऑक्टाकोर स्नैपड्रैगन प्रोसेसर आपको 768 का देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर है गाइस। और अगर मैं इसकी बात करूँ गाइस, तो ये आपको 4400mAh की बैटरी भी देखने को मिलेगी और 55W फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करेगा गाइस ये। अब गाइस बात करें अगर इसके प्राइसिंग के हिसाब से, तो 20,990 मैं मानता हूँ गाइस इसकी प्राइस थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर फीचर्स देखे जाए तो काफ़ी डिसेंट है। यहाँ पे हमें AMOLED डिस्प्ले भी देखने को मिल सकती थी इस प्राइस रेंज में, लेकिन इस प्राइस पे आपको सैमसंग के काफ़ी अच्छे फ़ोन्स मिल जाएंगे ये सीरीज़ में, या फिर अगर आप गाइस मी के, शॉमी के भी फ़ैन हैं तो आप वो भी ले सकते हैं, या फिर रियल मी के भी ले सकते हैं गाइस, तो वो आपके ऊपर है गाइस। लेकिन IQ की जो स्मार्टफोन्स है गाइस, पर्सनली मेरे दोस्त यूज़ कर रहे हैं तो वो बताते हैं काफ़ी अच्छी है और काफ़ी पावरफुल परफॉर्मेंस है गाइस। बाकी आप तक है गाइस कि आपको ये फ़ोन लेना है नहीं लेना। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।